एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं आज की खास खबरें। इश्कबाज में अब जल्द ही एक बड़ा लीप आने वाला है। इस सीरियल में जेनरेशन गैप के बाद नकुल मेहता एक तरफ शिवाय और अनिका के बेटे शिवान सिंह ओबराय का रोल प्ले करने वाले हैं। वहीं अब उनके साथ इस बार सुरभि चांदना नहीं बल्कि नई नवेली एक्ट्रेस मंजरी पुपाला एक्टिंग करती हुई दिखेंगी। अब एक नई खबर की माने तो इस सीरियल में कई नए किरदार की एंट्री होने वाली है। एक साथ कई सितारों के अलावा इस सीरियल में एक और हैंडसम एक्टर का नाम शामिल हो गया है। टीवी एक्टर मल्हार पांड्या इस सीरियल में जल्दी एंट्री लेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हुए दिखने वाले हैं। इस सीरियल में मल्हार का किरदार शिवाय के खास दोस्त का होगा। जब कभी शिवांश किसी मुश्किल में फंसेगा तब मल्हार ही वो दोस्त होंगे जो उसकी मदद करेगा। मल्हार की बात करें तो आपने उन्हें कसम तेरे प्यार की, कवच काली शक्तियों से और नागिन 2 जैसे सीरियल्स में कई अहम भूमिकाओं को निभाते हुए देखा है। ऐसे में क्या आप उन्हें इश्कबाज में देखने के लिए एक्साइटेड है? नीचे हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिए। जल्दी कपिल शर्मा अपनी गर्लफ्रेंड गिन्ने के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब हाल में ही इंडियन आइडल के सेट पर शादी से जुड़ा एक ऐसा उन्होंने किस्सा सुनाया जिसे जानने के बाद आप भी हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल इंडियन आइडल के मंच पर कपिल शर्मा ने बताया कि कैसे वो कॉलेज के दिनों में अपने दोस्तों के साथ किसी भी शादी में घुस जाते थे। कपिल शर्मा ने बताया, हमारे कॉलेज के दिनों में मेरे दोस्त और मैं कई बार शादियों में खाना खाने के लिए पहुंच जाते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक अंकल ने हमें पकड़ लिया, तब मेरे दोस्त ने कहानी बनाते हुए कह दिया कि हमारे मेस का खाना खत्म हो गया है, इसलिए हम यहाँ खाना खाने आ गए। इसके बाद उस अंकल ने उन्हें दोबारा खाने के लिए कहा और शादी में डांस करने को भी कहा। कपिल शर्मा ने बताया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ दो बार खाना खाया और बाद में डांस भी किया। कपिल का ये किस्सा आपको कितना मजेदार लग रहा है, नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इश्कबाज का सीजन 1 अब खत्म हो गया है। हालांकि सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में शिवाय सिंह ओबराय और अनिका ओमकार सिंह ओबराय और रुद्र शादी करने वाले हैं। शादी के इस सीक्वेंस में ये तीनों जोड़ी दूल्हा और दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। सभी ने रेड लुक पहना था। हालांकि अपने आप में सभी बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। उनका लुक आपको कैसा लगा है, नीचे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी के पॉपुलैरिटी से सभी वाकिफ है, लेकिन बात जब उनके होम टाउन की हो तो लोगों में उन्हें लेकर दीवानगी अलग ही है। और यही दीवानगी हाल में ही हमें देखने को मिली जब दिव्यांका भोपाल में गई हुई थी, जहां पर उन्होंने इलेक्शन में अपना सहयोग दिया और वोट भी किया। इस दौरान उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग पहुंचे हुए थे। दिव्यांका ने ये सारी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। फैंस में दिव्यांका को लेकर इस दीवानगी पर आप क्या कहेंगे, नीचे हमें कमेंट्स में बताइए। टीवी की जानी मानी स्टार एक्ट्रेस हिना खान के फैंस तब खुश हो गए जब उन्हें ये खबर मिली कि हिना खान कसौटी का हिस्सा बनने वाली है। लेकिन हाल में ही एक रिपोर्ट में कहा गया कि हिना खान की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक छोटा सा रोल ऑफर किया गया है। ऐसे में फैंस उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि उन्हें हिना खान को एक बार फिर से इस शो में देखने का मौका मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स की माने तो हिना खान ने शूट करने से मना कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कसौटी के अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले लिए हैं जिनकी शूटिंग में वो बिजी रहने वाली है। तो ये थी आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी रश।